मोदी सरकार ने तीसरा कार्यकाल शुरू होने से पहले ही ऐसा कांड कर दिया जिस पर विवाद हो गया। भारत के पुराने संसद भवन में लगी महापुरुषों की मूर्तियों को हटा दिया गया है। इसमें संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की मूर्ति भी शामिल है। इन मूर्तियों के साथ महात्मा गांधी और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों को भी उनकी पुरानी जगह से हटा दिया गया। इन मूर्तियों को अब पुराने संसद भवन में एक नई जगह पर लगाया जाएगा। संसद भवन सचिवालय का कहना है कि इन मूर्तियों को एक साथ पुराने संसद भवन के गेट नंबर 5 के पास एक लोन में लगाया जाएगा, लेकिन इस फैसले ने अंबेडकरवादियों की भावनाओं को कड़ी ठेस पहुंचाई है। दरअसल संसद भवन में लगी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर देश भर के अंबेडकरवादी नमन करने के लिए पहुंचते हैं। हर साल अंबेडकर जयंती के मौके पर लाखों लोग दिल्ली के संसद भवन मार्ग पर पहुंचते हैं और संसद भवन में लगी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के दर्शन करते हैं। अंबेडकरवादियों के लिए ये एक बहुत बड़ा उत्सव है और पिछले कई दशकों से हर साल लाखों अंबेडकरवादी संसद मार्ग में जुटते हैं। ये एक परंपरा सी बन गई है कि हर अंबेडकर जयंती पर दिल्ली के संसद भवन मार्ग पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लोग बाबा साहेब की मूर्ति को नमन करते हैं और इस पूरे संसद मार्ग पर बहुजन समाज के पंडाल लगाए जाते हैं, जहां जश्न का माहौल होता है। लोग झूमते हैं, नाचते हैं और अपने मसीहा के प्रति अपने प्यार को जाहिर करते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने अब संसद भवन के भीतर लगी बाबा साहेब की मूर्ति को पुरानी जगह से हटा दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन लाखों अंबेडकरवादियों के लिए वो मूर्ति वाली जगह सबसे बड़े तीर्थ जैसी है, वो अब कहां जाएंगे? अंबेडकर जयंती पर होने वाला संसद मार्ग का कार्यक्रम अब कहां होगा? क्या नई जगह पर अंबेडकरवादियों को एंट्री दी जाएगी? इस बारे में फिलहाल संसद सचिवालय ने कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए देश विदेश के तमाम अंबेडकरवादियों के दिल में गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं। विपक्ष ने भी मोदी सरकार की इस हरकत पर आपत्ति जताई है। वीर शिरोमणि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का स्टैच्यू, ये तमाम स्टैच्यू वहां से हटा दिए गए। पीड़ा किस बात की है, खीज किस बात की है? पीड़ा इस बात की है कि ये जो वन नेशन वन रीइंकार्नेशन, वन नेशन वन गॉड जो बनना चाह रहे थे, एक देश एक भगवान खुद जो बनना चाह रहे थे, उन्होंने कहा बीच चुनाव के कि महात्मा गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था जब तक पिक्चर नहीं आई। लोगों ने जवाब दिया 4 जून को, करारा जवाब दिया। अब खीज निकालने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी का स्टैच्यू वहां से उखाड़ दिया और धकेल दिया कहीं पीछे जाकर। संविधान की पूरी लड़ाई राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे तमाम नेता, प्रियंका जी, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रचार से भी ज्यादा संविधान को बचाने की मुहिम छेड़ दी थी, क्योंकि संविधान पे जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वही 7 लोक कल्याण मार्ग से ही निकल कर आ रहे थे। तो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ भी खींच निकाल दी, उनका स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया, पीछे धकेल दिया। महाराष्ट्र के नतीजे आपके सामने हैं, करारा जवाब महाराष्ट्र के लोगों ने भी दिया। तो महाराष्ट्र के लोगों से बदला लेना के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू भी यहां से उखाड़ दिया और पीछे धकेल दिया। अयोध्या में क्या हुआ, 50-50 कोस दूर एक भी सीट नहीं जीत पाए। ना केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला। आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। दिल्ली के पूर्व सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने भी इसे साजिश करा दिया। अभी मुझे खबर लगी है कि लगभग 2 दिन पहले भारत की संसद से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और गांधी जी की दोनों की स्टैचू वहां से हटा दी गई है। ये सरकार ने क्यों हटाई है? क्या नई संसद भवन में ले जाकर लगाने के लिए हटाई है, या फिर किसी दुर्भावना की वजह से हटाइए? ये सरकार को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में ये खबर आग की तरह फैल रही है। ऐसा ना हो कि कहीं अगर दुर्भावना की वजह से फैलाई है तो बेहद शर्मनाक है, फिर पूरे देश में संभालना मुश्किल होगा। और अगर सिर्फ इसलिए हटाइए कि वहां से हटाकर नई संसद में लगानी है, तो सरकार को चाहिए तुरंत समाचार के माध्यम से, सारे मीडिया चैनल के माध्यम से,
न्यूज के माध्यम से तुरंत पूरे देश को इसकी जानकारी दी जाए कि वहां से हटाकर वहां शिफ्ट की जा रही है, अन्यथा अगर आप नहीं बताते ऐसा ना हो कि इसकी वजह से पूरे देश में एक नकारात्मक न केवल मैसेज जाए बल्कि एक गंभीर संकट खड़ा ना देश के सामने हो जाए। इसलिए मैं केंद्र की सरकार से निवेदन करता हूं कि तुरंत माननीय राष्ट्रपति जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, गृह मंत्री जी से भी, लोकसभा स्पीकर आउटगोइंग स्पीकर से भी और बाकी जो एजेंसियां उनसे भी निवेदन करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी स्पष्ट कर दे, अदरवाइज पूरे देश में एक आग की तरह ये खबर फैल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से देश को भारी नुकसान हो जाए। हम किसी भी कीमत पर अपने देश को नुकसान नहीं होने देंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जी की स्टैचू को अविलंब नई संसद के अंदर स्थापित किया जाए। इस लोकसभा चुनाव में दलित बहुजन समाज ने मिलकर मोदी के विजय रथ को रोक दिया और लोगों ने संविधान को बचाने के लिए वोट किया, तो क्या पीएम मोदी, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे नायकों से अपनी खीज निकाल रहे हैं? इस घटना ने मोदी सरकार की मंशा पर शक पैदा कर दिया है। इस बारे में स्थिति साफ होनी चाहिए। बाबा साहेब के अनुयायियों के लिए ये बेहद चौंकाने वाली खबर है। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय जरूर जाहिर करें, सोशल मीडिया पर लिखें और सरकार से सवाल पूछें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।